खराब। तो पीसीओएस या पीसीओडी का ट्रीटमेंट में हम लोग दो तरीके से करते हैं, दो तरीके हैं इसका। पहला है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा है मेडिकेशन। ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी आपके पीसीओएस के सिम्टम है इसको नेचुरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आसानी से ठीक किया जा सकता है। हमारा पहला गोल होता है कि जितना हो सके हम इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहली चीज होती है वेट लॉस, ठीक है। वेट लॉस करने से अपने आप आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाता है, आपका वेट कम हो जाता है, आपके अदर हार्मोन्स जो बॉडी के डिस्टर्ब हुए हैं वो अपने आप ठीक हो जाता है, ओवरीज भी नॉर्मल फंक्शन में आ जाती है और वो नेचुरली एक रिलीज करने लगती है और सारी साइकिल भी आपकी नेचुरली टाइम पे आने लग जाती है सिर्फ वेट लॉस करने से। तो सबसे पहला हम लोग मैनेजमेंट में करते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में वो है वेट लॉस। इसके बाद आता है डाइट मैनेजमेंट। तो डाइट मैनेजमेंट में अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हेल्दी डाइट ले, जंक फूड्स को अवॉइड करें जिसके कारण आपको मोटापा हो सकता है, और टी कॉफी को भी अवॉइड करें। इसके बाद मैं सुगर्स को सबसे ज्यादा अवॉइड करने का बोलूंगी। ऐसे फ्रूट्स जिनमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सुगर होता है जो कि आपके इंसुलिन को गड़बड़ा सकते हैं, ऐसी चीजों का आप सेवन ना करें और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी लाइफ। पीसीओएस की डाइट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा नट्स खाइए, हेल्दी फैट लीजिए जो आपको नट्स से मिलेगा। इसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप इंक्लूड करिए, जूसेस को इंक्लूड करिए जो कि आपकी बॉडी को हार्मोनल इम्बेलेंस से बचाएगा और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा पीसीओएस के सिम्टम से लड़ने में। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि आपको इंसुलिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एक्सरसाइज। इसमें हम लोग रिकमेंडेड करते हैं 30-45 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली। है पीसीओएस में प्रॉपर स्लीप लेना, स्ट्रेस कम करना, आपको 8 घंटे की प्रॉपर नेचुरल स्लीप लेना ही पड़ेगी। इसके बाद आपको स्ट्रेस को कम से कम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है और कोई भी हल्के फुल्के एक्सरसाइज जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, योगा कर सकते हो आप, जिमिंग कर सकते हो, जॉम्बी कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो एक्सरसाइज करिए, बट एक्सरसाइज आपको डेली करनी पड़ेगी। ये पूरा था लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीसीओएस के मेडिकेशंस पार्ट की। और पीसीओएस में कौन कौन सी मेडिसिंस दी जाती है, तो पीसीओएस में हम लोग पेशेंट्स को मेडिसिन उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देते हैं, जिस तरह के उनके सिम्टम्स है उसके अनुसार हम लोग पीसीओएस का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है तो हम लोग इनको एंटी टेस्टोस्टेरोन मेडिसिन देते हैं। इसके ट्रीटमेंट में इरेगुलर पीरियड्स के लिए हम लोग आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। ये सब रिकमेंडेशन आपको आपके फिजिशियन से डोजेस और ड्यूरेशंस के बारे में, यूजुअली हम लोग 6 महीने के लिए देते हैं जो कि आपके रेगुलर पीरियड्स को लाने में हेल्पफुल है। इसके बाद आपको वेट लॉस के लिए हम लोग कुछ मेडिकेशंस जो देते हैं जो कि आपके इंसुलिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है जो कि हेल्पफुल है। इसके बाद आपको डिफिकल्टी अगर हो रही है गेटिंग अ प्रेगनेंसी तो हम लोग आपको कुछ ऐसी मेडिकेशन देते हैं जो आपके ओवुलेशन को इम्प्रूव करता है, एग फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है और आपको हेल्प करता है टू गेट प्रेगनेंस। ये वीडियो था पूरा पीसीओएस के सिम्टम, कैसे कॉजेज है इसको, कैसे डायग्नोस करते हैं हम लोग और क्या क्या इसका उपचार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स फीमेल को शेयर कीजिए ताकि वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से अपने आप को ऐसे मॉडिफाई करे ताकि वो पीसीओएस का शिकार नहीं हो और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाए। थैंक यू।